आचार्य जी, एक ही चेतना जो शांति की तलाश में रावण बन जाती है, और एक दूसरी वही चेतना शांति की तलाश में संत श्री राम बन जाते हैं, संत बुद्ध महावीर बन जाते हैं, तो मूलतः इनमें क्या फर्क? कुछ मूलतः दोनों एक ही हैं, दोनों को ही शांति मिलेगी, एक को जल्दी मिलेगी, एक को देर से मिलेगी। दोनों ही जो पा रहे हैं मिलेगा, और दोनों ही जिस तरीके से चाह रहे हैं मिलेगा। मिल तो दोनों को ही जाएगा। तुम ये देख लो, तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है, राम का या रावण का? ये बात तो बस पसंद की है। यहां कौन ऐसा है जो तरेगा नहीं? सबको उस पार उतरना है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जंजीर, जाएंगे तो सभी उस पार निकल ही जाएंगे। तुम्हें कैसे जाना है, अब ये बात अपनी तबीयत की है। सिंहासन चढ़ के जाना है या जंजीर बांध के जाना है? अर्जुन की तरह जाना है या दुर्योधन की तरह जाना है? ये पक्का समझो कि अंततः दुर्योधन भी वहीं पहुंचेगा जहां अर्जुन। ये तो बात अदा की है, स्टाइल की है, किस तरीके से पहुंचना है। लुट लुट के, पिट पिट के, लात खा खा के पहुंचना है, या शान के साथ बादशाह की तरह पहुंचना है? लोग जाते हैं अमेरिका, एक तरीका तो ये है कि पासपोर्ट, वीजा, टिकट, हवाई जहाज, शान से पहुंच रहे हो, एयर होस्टेस पानी पिला रही है। और दूसरे भी होते हैं, वो मालवाहक जहाजों में कचरे के डब्बों में बंद होके जाते हैं, और वहां पर विमान के उतरने से थोड़ी देर पहले उनको विमान से ढकेल दिया जाता है नीचे, कि वो एयरपोर्ट से बाहर ही कहीं नीचे गिर जाएं। उनमें से बहुत तो मर ही जाते हैं नीचे गिर के, कुछ बच जाते हैं। जो बचते भी हैं वो न जाने कितने घंटों के नरक के बाद पहुंचते हैं। और भी तरीके हैं। अमेरिका पहुंचना है तो पहले दक्षिण अमेरिका चले जाओ, मेक्सिको चले जाओ, पनामा चले जाओ, वहाँ जंगलों में यात्रा करो, पुलिस वालों से पिटो, और इस तरह से महीना दो महीना लगा करके फिर अमेरिका में धोखे से प्रवेश पा लो। पहुँच तो दोनों ही गए, तुम्हें कैसे पहुंचना है? अब तुम कहोगे कि दुर्योधन ने पिटने का तरीका क्यों चुना? उसकी मर्जी, इसका कोई उत्तर नहीं है। जिसकी जो मर्जी होगी उसकी मर्जी का सम्मान किया जाएगा। दुर्योधन ने कहा हमें पिट पिट के पहुंचना है, कृष्ण ने कहा हो तथास्तु, अर्जुन ने कहा नहीं हम तो आपके साथ जाएंगे, कृष्ण ने कहा तथास्तु, तो तुम्हारी मर्जी।
वीडियो एडिट कर रहा था तो उसमें आपका सुना कि अगर सभी दुखों से मुक्ति चाहिए तो किसी बड़े दुख को का चुनाव कर लो, तो उसको सुनने के बाद में लगा कि बात तो सही है, इसको करना चाहिए करके। लेकिन मन के दो चीज़ रहते हैं, एक बोलता है कि बड़े दुख को चुनाव करेंगे तो उससे अपना ही फायदा है करके, लेकिन दूसरा चीज़ जो है, दूसरा जो मन का जो दूसरा तन है वो इस चीज़ को रोकता है, तो उसके लिए मतलब सही चुनाव कर सकूं उसके लिए। अब वो तुम्हें ही करना है, सही चुनाव क्या है मैंने बता दिया। मैं पीछे से रिकमेंड कर सकता हूँ, अनुशंसा भेज सकता हूँ, मानोगे या नहीं मानोगे वो तुम्हें देखना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या चुनो, मैं तुम्हारे लिए चुन नहीं सकता। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कैसे जियो, पर मैं तुम्हारी जगह जी नहीं सकता। मैं तुमसे कह सकता हूं देखो, पर मैं तुम्हारे लिए देख नहीं सकता। मेरा काम तो पूरा, तुम अपना काम जानो। मैंने कह दिया कि हाँ, ऊंचा दुख ऊंची चुनौती, यही तुम्हारे भीतर का पौरुष जगाएंगे। सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी कर लो, तुम्हारे भीतर फिर पहाड़ जीतने की सामर्थ्य भी आ जाएगी। लेकिन मेहनत तो होगी, थकान भी होगी, अब वो सब चुननी है या नहीं तुम जानो, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। मेहनत करोगे तो पसीना भी तुम्हारा ही बहेगा, मेरा तो बहेगा नहीं, थकान भी तुम्हें ही होनी है, मुझे तो होनी नहीं, कीमत तुम्हें ही चुकानी है, तो निर्णय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा।